हेलो एवरीवन, डॉक्टर को दिखाने आई हूँ। होली के बाद से मेरा ट्रीटमेंट अभी भी चल ही रहा है, कोल्ड और कफ हो रहा है। आंखें में दो दो लोग आए हैं मुझे दिखाने, ये दोनों मेरे साथ आए हैं मुझे दिखाने। फिर से पता तो चल ही रहा है कि मैं बीमार हूँ, और मैं अभी डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर ही हूँ। मुझे डॉक्टर आधा घंटा बाद चेक करेंगे। दवाई मेरी यहाँ से चली है, दूसरे डॉक्टर मैंने चेंज किया है। कोल्ड कफ होता है वैसे तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, और इस बार मुझे थोड़ा लंबा खिंच गया। एक तो वेदर बहुत चेंज हो रहा है, आज सुबह ही यहाँ जबलपुर में ओले भी गिरे हुए थे, तो वेदर आज फिर ठंडा हो गया, तो कुछ ठंड की वजह से कोल्ड नहीं जा रहा है। पहले से तो काफ़ी आराम है, लेकिन मैंने सोचा कंटिन्यू दवाई करा ले जिससे पूरी तरह से मैं ठीक हो जाऊँ। कुछ इस समय माहौल ऐसा चल रहा है तो लोगों में डर भी है, तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेना चाहिए, दिखाते रहो, मेरी वजह से घर में किसी को प्रॉब्लम ना हो। ये ग्वालियर से आ गए हैं, कॉलेज सब बंद हो गए हैं, आप लोग को तो पता ही है इस समय कॉलेज स्कूल सब बंद है। आज तो पेपर में आया था कि बोर्ड एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गए हैं, तो वाकई में स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ लोग तो स्टॉक करने लगे हैं कि पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम लोग अभी मार्केट जाएंगे इसके बाद, तो घर का सामान कुछ लेना है, देखते क्या मिलता है मार्केट में। स्टूडेंट्स पे असर ये हुआ है कि हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं, और हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है ऑब्वियसली, और बहुत बोरियत हो रही है घर में। बोर तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट ये है कि बोर होना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, रादर दैन कि तुमको लाइफ सेव करनी है तो तुम सोशल डिस्टेंसिंग करो सबको, ठीक है ना, सबको दूर रहो, घर पर रहो, सबको सेफ रहो। कुछ दिन की बात है, शायद कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। सब लोग प्रे करो कि कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाए, जैसी पहले दुनिया चल रही थी वैसे चले। ये वाली सही में दुनिया बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत बोरियत हो रही है, मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ, बोर के कारण ही बीमार हो गई हूँ। चीज़ थी सब ठप हो गई है, और मेरा क्लब का प्रोग्राम था 18 तारीख को, वो भी पोस्टपोन करना पड़ा, पता नहीं कब कर पाएंगे। अभी तो कुछ आसान नज़र नहीं आ रहे, किटी पार्टीज़ वगैरह सब जितनी हैं सब बंद हो गई हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब डर के घर में बैठे हुए हैं। डर के नहीं, सेफ होके घर से बैठे। हाँ सेफ है, लेकिन वही डर है, मतलब कहीं भी जाओ तो डर तो लगता है जल्दी से। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई है कि लोग सफाई बहुत करने लगे, बहुत अपने आप को स्वच्छ रखने। पहले कहाँ इतना लोग हाथ धोते थे। चाइना की पॉल्यूशन रेट 30 साल में सबसे कम है अभी, एयर पॉल्यूशन रेट वहाँ का। और वेनिस में एक वो है, वेनिस है ना यूरोप में, वहाँ पे एक वो है क्या बोलते हैं, जहाँ की स्ट्रीम होती है, लेक वो होती है, अरे जो वो नहीं होते ब्रिजेस के नीचे रिवर्स फ्लो होती है, वो इतनी साफ हो गई है इतने सालों बाद की, उसमें मछलियाँ आप तैरने लग गई, वो सौंस आने लग गए। पहले मोदी जी तो बेचारे पॉजिटिव न्यूज़ स्वच्छ भारत कर रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा अब स्वच्छ हो गया है कोरोना के कारण। ये पॉजिटिव बहुत अच्छा है। लोग मतलब तुरंत खाना बनाने जाओ या कुछ भी करो, कुछ भी टच करते हैं तुरंत याद आ जाता है, अरे यार हाथ धोना है। पहले इतना लोग अवेयर नहीं थे हाथ धोना और ये सब स्वच्छता का। अभी ऐसा सीन है कि मतलब पॉजिटिव न्यूज की इंसान को जरूरत है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। ये चीज तो हमेशा करना चाहिए था जो अब कर रहे हैं, और इससे एक सीख तो सही मिली है कि हमेशा ही ऐसा करे, कोरोना चला जाए उसके बाद भी हमेशा ही ऐसा रखे, जिससे और भी जो फूड पॉइजनिंग और भी जो प्रॉब्लम्स होती थी वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। आप सब में से किसी को भी यदि सिम्टम्स हैं या कुछ भी हैं, तो फिर आप खुद को सेल्फ आइसोलेट करो, सिर्फ अपने लिए नहीं तो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए और बाकी सब के लिए, क्योंकि इंडिया की डेंसिटी भी इतनी ज़्यादा है, तो अपने आप बहुत चांसेस है फैलने का। सही। तो चलिए इसी उससे मैं डॉक्टर को दिखाने आई, वैसे मेरा काफ़ी ठीक है, लेकिन आज रिपोर्ट कुछ दिया था उन्हें चेकअप करने के लिए, टेस्ट के लिए, तो मैं उसी को दिखाने आई हूँ। वैसे रिपोर्ट तो नॉर्मल है, कुछ खास नहीं, लेकिन डॉक्टर को दिखा करके और वेरीफाई कर लेंगे। हम लोग ग्रोसरी का सामान लेकर आ गए हैं, और एक बॉर्नविटा के साथ एक स्लेट फ्री मिल रही है, ये ऑफर में चल रहा है, एक बॉर्नविटा के साथ एक स्लेट फ्री। उतना खास तो नहीं है लेकिन ठीक है, अब ऑफर के साथ फ्री का माल। ये कॉम्प्लेक्स है तो बहुत हेल्दी होता है, ये लेके आए हैं। बहुत सारे नमकीन निकाल आए हैं,
चाकूस ले आए हैं, ये सर्फ वगैरह ले आए हैं, ये घड़ी पाउडर सर्फ घड़ी, इस समय घर को बहुत अच्छे से साफ रखना है इसलिए ये वाला फिनाइल लेके आए हैं। ये ओरियो बिस्किट है और क्या क्या है और दिखाओ, ये तो सब खाने का आइटम ज्यादातर है इसमें से, नमकीन है और क्या है, ये फेयर एंड लवली, ये हैंड वॉश, कहीं भी सैनिटाइजर नहीं मिला है, पूरे मार्केट में सैनिटाइजर की बहुत ज्यादा खपत चल रही है, लगता लोग स्टॉक कर लिए हैं सैनिटाइजर, कहीं भी नहीं मिला सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर तो घर पे भी बना सकते हैं, तो मैं घर पर ही सैनिटाइजर बनाऊंगी। ये हॉर्लिक्स है, ये क्रीम है नीविया की क्रीम, ये शैम्पू हेड एंड शोल्डर एक शैम्पू है, और एक है ये वाला लेकर आए हैं डव है। एक वीक एक आदमी जाएगा, एक वीक दूसरा आदमी जाएगा, कहाँ वर्क फ्रॉम होम करेंगे, किसमें आप क्या रेलवे में, सब में आ गए, वाह रेलवे में आ गया, अभी रोस्टर बनाना है उसका। अच्छा वन वीक है मतलब एक हफ्ते ड्यूटी करेगा वो, और एक हफ्ते क्या करेगा कोई दूसरा, घर में रहेगा फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से। अच्छा अच्छा ये वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो इसमें 9 से 5:30 ही करवा सकते, ज्यादा नहीं करवा सकते, 9 बजे से 5:30 तक, या 9:30 से 6 तक, या 10 से 6:30 तक, इतना ही जॉब कर सकते हो, मतलब इससे ज्यादा नहीं करवाना है। हाँ। और इसका मस्टर बनाना है अभी, और वर्क टू होम में उनका टेलीफोन चालू होना जरूरी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे उसको सपोर्ट करना है, और कोई अर्जेंसी आती है तो उसको आना है, और अपने व्हीकल से ही करना है, उसको अपना व्हीकल ही यूज करे। हाँ, वो उनकी को कम करे, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना करे, वो ज्यादा बेटर है। जरूरत का सब सामान आ गया, हम लोगों ने लिया भी नहीं था काफी दिन से सामान, अच्छा हुआ ले लिया, 2-3 महीने को फ्री हो गए, और ये सामान तो आ गया, इसको लगाना लगाएगा कौन, निकालना ही पड़ेगा। ये लोग घर पे रहते कितना हल्ला मचाते हैं। देखो कैसे लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, काम सारा काम छोड़ के सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं। ये सब सामान ये सेट कर दिया इसमें, और ये सामान अभी किचन वाला इनको किचन में रखना है, और कुछ बाथरूम में रखना है, ये डिटॉल्स वगैरह सर्फ वर्फ सब निकाल दिया।